तो फर्स्ट आई रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, विच कांग्रेस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। इन दिस क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू डी ई मीन्स क्या हुआ, दिस मेजरमेंट इज इक्वल टू दिस पार्ट, क्लियर। नाउ बी सी इज इक्वल टू ई एफ, सो दिस इज एफ, सो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंड देन दे आर सेइंग ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, दे हैव ऑलरेडी मेंशन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि ए बी जो है दिस इज इक्वल टू विद विच डी एफ, है ना, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, सॉरी ए बी, ए बी इज इक्वल टू डी एफ, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव मेंशन कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे करेंगे, कौन सा रूल, बिकॉज वी हैव टू टेल विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, तो विच क्राइटेरिया शुड आई यूज, आई विल यूज एस एस एस, बिकॉज इसमें हमें क्या मिल रहा है, वी आर फाइंडिंग डेट थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन डेट जेड एक्स, तो आपका ये आ गया जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, ठीक है, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, एंड देन दे आर सेइंग एंगल पी आर क्यू, सो प्लीज डू फोकस कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो जैसा आई ऑलवेज टेल यू, जो बीच का लेटर होता है डेट काउंट्स फॉर द एंगल, दिस मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंगल आर, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, दिस एंगल, जेड बीच में आया ना, तो हमने जहां जिस लेटर, जो लेटर बीच में आता है उसी को वी मार्क लाइक अ एंगल, तो ये आपका आ गया एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई, सो दे आर सेइंग ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। Now by which congruent criteria? So you are getting one side, you are getting one angle, again you are getting one side. So which congruent criteria? SAS. In this you have found two sides and one angle to be equal to each other. Next, you want to show that angle ART is congruent to triangle PEN, okay, and triangle PEN. If you have to use SSS criteria, then you need to show. तो अब बताएं आप, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये भी बता दिया कि these two triangles are congruent to each other, then they have also told you that you have to use SSS criteria, ठीक है। Now तो आप कैसे करेंगे, ए आर विल बी इक्वल टू, तो एज पर द शेप हमें क्या लगेगा, ए आर इज इक्वल टू पीई, तो हम यहां पे लिख देंगे ए आर इज इक्वल टू पीई। नाउ आर टी, सो दिस बेस इज गोइंग ऑन आर टी, तो ये हम किसके करेंगे, ई एन, मीन्स आर टी इज इक्वल टू ई एन। नाउ ए टी दिस पार्ट, तो ये किसके साथ करस्पॉन्ड करेगी, विथ पी एन, इजंट दैट सिंपल, आ गया ना, कौन सा रूल, SSS, वी हैव प्रूव्ड थ्री साइड्स टू बी इक्वल। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSS, SAS, ASA, सो अगर आपको ये बताना है कि विच रूल, बाय विच रूल इट इज दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन यू कैन नेम द रूल, and if the rule is given then you can find the combination of the sides which are equal to each other. So moving to the next question, if it is given that angle t, hamara wahi question chal raha hai, uska second part hai, hai na, ki main hamara wo dekhe ki unhone kya de diya hai, ki angle t is equal to angle n,
angle T is equal to angle N. And you are to use SAS criteria. Now, कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है? SAS. You need to have, तो angle is proved. Angle is proved. मतलब अगर हम देखें तो angle T is equal to angle N. This is there. लेकिन अब RT को हम किसके अकॉर्डिंग बोलेंगे? RT will be equal to, RT is this part. तो this means हमें भी इसमें से ये लेना पड़ेगा. RT is equal to EN and PN. Now see here, PN will be equal to क्या हुआ? AT. आपकी तो मैथ्स उन्होंने बहुत इजी कर दी है ना. हमें अपनी तरफ से ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है. वी हैव टू जस्ट लुक फॉर द करिस्पॉन्डिंग साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरिया. दिस मीन्स आपको टू एंगल्स की बात करनी है. तो यू नीड टू हैव, मतलब हम कोई भी टू एंगल्स, नाउ वी आर फ्री, वी कैन चूज एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, और वी कैन चूज एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, और वी कैन चूज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. है या नहीं है? हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा क्या होगा इफ वी चूज दीज टू एंगल्स. क्यों? हम इसको मान सकते हैं दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो जो बेस एंगल्स होंगे दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो टू बी ऑन द सेफर साइड वी विल चूज एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, एंड देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. सो ये थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस यूज कर लें हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. फिर तो अगर ये दो एंगल्स हो गए इक्वल तो नेचुरल है द थर्ड ये एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल E, क्योंकि हमें तो 180 डिग्री का मेजरमेंट बनाना ही है टू प्रूव दैट दीज आर ट्राइंगल्स. है या नहीं है? नेक्स्ट, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP, सी हियर, ट्राइंगल AMP ये वाला ट्राइंगल हो गया, एंड ट्राइंगल AMQ, AMQ इज दिस ट्राइंगल. तो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजंस. नाउ सप्लाई द मिसिंग रीजंस, क्या हुआ? ठीक है, सो इसमें आप क्या देख रहे हैं? पी एम इज इक्वल टू क्यू एम. ठीक है, मीन्स यह हमें दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस. तो इसमें हमारा क्या हो गया? मीन्स इसमें हम क्या कहेंगे? एम इज द मिडल पॉइंट. एम इज द मिडल पॉइंट. Then they are saying angle PMA is equal to angle QMA. These two angles are equal to each other. तो इसमें क्या होगा? इसमें उन्होंने दे रखा होगा कि AP is equal to AQ. और कोई रीजन हो सकता है? I am leaving for you. Just think over. कोई और रीजन आप सोच सकते हैं? अगर कोई याद आता है यू कैन राइट और इन योर कॉपी एंड देन वी कैन डिस्कस. टेकिंग द थर्ड पार्ट, ए एम इज इक्वल टू ए एम. तो ये क्या है? ये कॉमन हमारे है ही है ना. एंड देन ट्राइंगल ए एम पी इज इक्वल टू ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू. तो अगर हम ऐसे प्रूव कर रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग हुआ? दिस मीन्स कौन से रूल से? तो इसमें हम कहेंगे हम क्या रूल देंगे, क्योंकि इसमें हमने ये कह दिया है, ये मान लिया होगा कि AP इज इक्वल टू AQ, तभी हमने ये एंगल्स माने हैं. दिस मीन्स हमारा रूल क्या हो जाएगा? SAS मीन्स टू साइड्स, क्योंकि वन साइड सेकेंड साइड एंड वन एंगल वी हैव फाइंड आउट दैट दे आर इक्वल, क्योंकि एक साइड आ गई
एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई. तो बाय ऐसे एस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. नाउ कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट. ये कैसे करेंगे? अब आप दिखा रहे हैं ना, देखिए वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल्स. तो देखकर हमें पता चल रहा है ना, एक तो ट्राइंगल हमारा क्या आ गया, बी ए सी या बी सी ए. तो इन्होंने क्या कहा, ट्राइंगल बी सी ए, उन्होंने ये वाला बोला है. ठीक है, तो अगर इन्होंने ये वाला बोला है बी सी ए, तो दूसरा ट्राइंगल हम क्या बोलेंगे, बी टी ए, ट्राइंगल बी टी ए. व्हाई वी विल से ट्राइंगल बी टी ए, क्योंकि हेयर दे आर नॉट कंसिडरिंग आर एच एस वाला थिंग, है या नहीं है. उन्होंने ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो हम ये वाला एंगल लेंगे रॉन्ग हो जाएगा. वी हैव टू टेक दिस वाला एंगल. सो ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी टी ए, क्योंकि ये टू साइड्स आर इक्वल, है ना. फिर दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और यहां पे अगर हम देखेंगे ये साइड इज ऑल्सो इक्वल, है या नहीं है. इन्होंने ऑलरेडी ये मार्क करा हुआ है. हमने इस टाइप से टू ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर लिया. अब ऐसी ही एक ये क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई ऑन योर ओन. आप सोचे ट्राइंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू विच. बहुत सिंपल हो गया ना, ट्राइंगल क्यू पी टी, क्योंकि हमने क्या दिखा रहे हैं, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी. तो कैन यू राइट द आंसर ऑन योर ओन, लिख सकते हैं ना, डू राइट. ओके, सो दिस वॉज द थिंग दैट वी हैव डन टूडे. So what did we learn today? We have put all the congruency rules and then we have tried to solve some sums based on those rules. So this was the learning for us today. As I have told you, this was the last session of this chapter. In the next session, I will take the new lesson from your book. Till then, do revise all the things that you have learned in this session. Bye.